अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सोशल उर्दू टीवी। दोस्तों, वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत सी चेंजेस की जा रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नए प्लेयर्स को मौका दिया जा रहा है, जिनमें नसीम शाह मोहम्मद, मूसा मोहम्मद हसनैन और आबिद अली जैसे नाम नुमाया हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आबिद अली के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आबिद अली 16 अक्टूबर 1987 को लाहौर में पैदा हुए। इन्होंने लिस्ट ए में डेब्यू 2005 में और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू 2007 में किया। दोस्तों, आबिद अली 2017-18 कायदे आज़म ट्रॉफी के लिए इस्लामाबाद की तरफ से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ खेले और 231 रन के साथ नॉट आउट रहे और ये उस वक्त इस्लामाबाद के लीडिंग रन स्कोरर थे। इन्होंने 7 मैचेस में 541 रन किए थे। दोस्तों, यही नहीं बल्कि फरवरी 2018 में रीजनल वनडे कप टूर्नामेंट के दौरान पिशावर के खिलाफ 209 रन के साथ नॉट आउट रहे। ये पाकिस्तानी खिलाड़ी का डोमेस्टिक वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा स्कोर था और आबिद अली पाकिस्तान के चौथे ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने वनडे में 200 से ज़्यादा रन स्कोर किए। दोस्तों, इसी तरह आबिद अली ने अपनी फॉर्म बरकरार रखी और मार्च 2019 में इंटरनेशनल टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए और 29 मार्च को अपना पहला ODI मैच खेला और 112 स्कोर के साथ ODI डेब्यू में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले पाकिस्तानी बैट्समैन बन गए। दोस्तों, अप्रैल 2019 को इन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया गया, मगर बाद में इनको बाहर करके एक्सपीरियंस्ड प्लेयर को शामिल कर लिया गया और इस तरह ये अपना पहला वर्ल्ड कप खेलने में नाकाम रहे। दोस्तों, इसी तरह अक्टूबर 2019 को इन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज़ में शामिल किया गया, लेकिन इन्हें प्लेइंग 11 में नहीं रखा गया। आखिरकार इन्हें श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज़ में शामिल किया गया और इन्होंने अपने पहले ही टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाकर पहले इंटरनेशनल प्लेयर बन गए जिन्होंने ODI और टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी स्कोर की। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने अपने दूसरे टेस्ट मैच में 174 रन की नाकाबले यकीन इनिंग्स खेलकर सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, अगर आबिद अली को सही तरह इस्तेमाल किया जाए तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। हमारी दुआ है कि आबिद अली ऐसे ही तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का नाम बुलंद करते रहें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल सोशल उर्दू TV को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाएं और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर करें।